अब से कुछ अर्सा पहले तक कम से कम पाकिस्तानी अवाम तो अज़रबैजान के शहर बाकू की वजह से सिर्फ इसका एक सियाहती पहलू ही जानती थी, मगर फिर अचानक गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर अज़रबैजान इज़ नॉट अलोन और पाकिस्तान स्टैंड्स विद अज़रबैजान जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, तो अब समझ आई है कि यहाँ सियाहत ही नहीं बल्कि खासा पुराना और पेचीदा तनाज़ा भी है जिस पर अब तो जंग भी शुरू हो चुकी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको अज़रबैजान और आर्मेनिया के बारे में कुछ हकायक बताएं और ये भी बताएं कि अब ये दोनों मुल्क लड़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान मुश्तरक क्या है। तो दोनों ही ममालिक जनूब मशरकी यूरोप में वाक़े हैं। इन ममालिक की सरहदें तुर्की, ईरान और जॉर्जिया से मिलती हैं, जबकि रूस की सरहद शुमाल में अज़रबैजान से मिलती है। दोनों ममालिक 1922 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं। अब अज़रबैजान के बारे में आपको बताएं कि यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन रियासत का मजहब इस्लाम नहीं है और अपने आईन के मुताबिक ये एक सेक्युलर मुल्क है। ये मुल्क तेल के वसाइल से माला माल है, इसे तुर्की, पाकिस्तान, अमरीका और ईरान ने सबसे पहले तस्लीम किया था। यहाँ आज़री और रूसी ज़ुबानें बोली जाती हैं। मुल्क के मौजूदा सदर के दौर में अज़रबैजान बैन-अल-अक़वामी सतह पर खासा मुतहरिक रहा है, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमें इन पर आज़ादी राय पर कदगन लगाने और सहाफ़ियों और कारकुनान को गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम भी लगाती हैं। नाउ अनलाइक अज़रबैजान, आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, यानी ये दीगर ममालिक में घिरा हुआ है और यहाँ समंदरी रास्ता भी नहीं है। यहाँ अक्सरियत मसीही अफराद की है, लेकिन आईन में रियासत और मजहबी इदारों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। अज़रबैजान के मुकाबले में आर्मेनिया की आबादी बहुत कम, यानी सिर्फ 31 लाख है। यहाँ आर्मेनियन और रूसी ज़ुबानें बोली जाती हैं और आर्मेनियाई नस्ल की कौम आबाद है। इस खित्ते की तारीख दीगर यूरोपी ममालिक से भी पुरानी है। ये खिता कदीम तरीन मसीही तहजीबों में से एक है। आर्मेनिया में 4वीं सदी में ही चर्च कायम होना शुरू हो चुके थे। तो अब ये अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग क्यों शुरू हो गई है? इस तनाज़े का महवर नगुनो करबाख नामी इलाका है। सोवियत यूनियन के ज़माने में ये एक ऐसा खिता था जहाँ आर्मेनियाई नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत थी, लेकिन वो अज़रबैजान के हुकाम के ज़ेर इंतज़ाम था। जब 80 की दिहाई के आखिरी बरसों में सोवियत यूनियन अपने खात्मे के करीब पहुंचना शुरू हो गया था, तो नगुनो करबाख के मुकामी पार्लियामेंट ने इस इलाके को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के हक में वोट दे दिया, जिसके बाद यहां नस्ली फसादात शुरू हो गए थे। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके को हासिल करने के लिए 80 और 90 की दिहाई में कई जंगें हो चुकी हैं। दोनों ममालिक जंग बंदी पर तो इत्तफाक कर चुके हैं, लेकिन किसी अमन मुआहदे तक नहीं पहुँच पाए। दसियों हज़ार अफराद हलाक और कम से कम 10 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। 1994 में रूस की कोशिश से होने वाली जंग बंदी से पहले नगुनो करबाख मुकम्मल तौर पर आर्मेनियाई फ़ौज के कंट्रोल में जा चुका था। इस माहदे के नतीजे में ये तय हुआ कि नगुनो करबाख अज़रबैजान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसका हुकूमती निज़ाम आर्मेनियाई नस्ल के लोगों के पास होगा, जिन्हें आर्मेनिया की हुकूमत का तावन हासिल होगा। इसके बाद कई मरतबा अमन माहदे की कोशिश में मुज़ाकरात हो चुके हैं। फ्रांस, रूस और अमेरिका पर मुश्तमिल बैन-अल-अक़वामी ग्रुप सालिस का किरदार अदा करता रहा है। 2016 में होने वाली झड़पों में दोनों ममालिक के दर्जनों फौजी हलाक हुए थे। ये मसला अब इलाकाई सियासत की वजह से मजीद पेचीदा हो गया है। हमसाया मुल्कों में तुर्की अज़रबैजान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है, लेकिन रूस आर्मेनिया का साथ देने के साथ साथ अज़रबैजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता है। ये वाजे नहीं कि किस मुल्क ने हालिया कशीदगी में पहल की थी, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान कई माह से दोबारा एक तनाव मौजूद था और जुलाई में झड़पों में दोनों तरफ से हलाकतें भी हुई थीं।